हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मिकराज फेयर। वेलकम टू अनदर ब्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप्स हो के ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपको एक न्यू ब्लॉग में। अभी मैं तैयार शैर हो रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वीनस। आज हम आपको दिखाएंगे वीनस, वीनस का ब्लॉग आएगा। और बाहर आज वेदर जो है वो काफ़ी अच्छा था, तो हमने कहा आज वीनस चलते हैं क्योंकि काफ़ी दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, तो इसलिए हम बेबीज़ के साथ यू नो बारिश में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आज मौसम अच्छा है और सनी डे है और बेबीज़ को मैंने तैयार कर दिया। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और बेबीज़ का बैग शैग पैक हो गया है और साथ में जैकेट्स वगैरह ले ली हैं बेबीज़ की, ताकि अगर शाम को सर्दी हो तो फिर बेबीज़ को ज़्यादा सर्दी ना लगे। अपने ड्रेस मैंने निकाल ली हैं, समझ नहीं आ रही कि कौन सा पहनूं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको और फिर जल्दी से ड्रेसअप होके जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। फिर हमने वापस भी आना है क्योंकि मे बी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर का डिस्टेंस है यहाँ से, तो अभी निकलेंगे तो फिर वहाँ पे टाइम से पहुँचेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। व्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा एंड शो सम लव। सो लेट्स गो। अच्छा जी, तो बेबीज़ को मैंने रेडी कर दिया है आज। वैसे मोस्टली जो है वो मैं पहले खुद तैयार हो जाती हूँ फिर बेबीज़ को रेडी करती हूँ, क्योंकि पता है बेबीज़ जो हैं वो कपड़े जल्दी गंदे कर लेते हैं। तो अब ये तैयार होकर तीनों जो हैं वो मस्ती कर रहे हैं अपने चाचू के साथ में, इसके बाद बस निकलते हैं। मैं थोड़ी देर में 5 मिनट में तैयार होती हूँ। मैं बड़ी जल्दी जल्दी से तैयार होकर, हमारे साथ जा रही हैं तहरीम और जीशान, तो अभी वो भी रेडी हो जाएँ और वो भी खाना शाना खा लें, फिर उसके बाद निकलते हैं। हम लोगों ने अभी खाना शाना नहीं खाया, हम लोग बाहर से ही कुछ खा लेंगे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। और अचानक से प्लान बना है, मैं अपना ड्रेस ही आ देती हूँ। ड्रेस में मेरे पास जीन्स की ये जैकेट भी है और साथ में जीन्स है और साथ में वाइट शर्ट भी है। अच्छा, बैग शैग पैक कर लिया है मैंने, ज़रूरत की जितनी चीज़ें बेबीज़ के खाने पीने की, पैम्पर फीडर जैकेट सब ले लिया है। अच्छा जी, सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ रेडी टेंडर, और अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। लेकिन बेबीज़ को आज मैंने जल्दी तैयार कर दिया था, तो उसका नतीजा ये हुआ के बेबीज़ ने अपने क्लोथ जो हैं, साइम ने स्पेशली, वो वॉशरूम में जाके गीले कर लिए हैं। अभी मैंने उसको सुखाने के लिए अभी प्रेस वगैरह किया है, तो बाकी दोनों के क्लोथ मैं दिखा देती हूँ आपको। साइम के भी मैंने उतारे हुए हैं, तो चलते हैं फिर फटाफट चीज़ें चीज़ें पकड़ते हैं। ये जैकेट, ये मैं अभी ऊपर आएगी ये जीन्स की जैकेट, और क्योंकि अभी तो मौसम ठीक है, जब थोड़ी सी सर्दी होगी फिर मैं थोड़ा फोटोशूट इसमें करेंगे, थोड़ा फोटोशूट इटालिया में करेंगे। सो लेट्स गो। हाय ताबिश, कहाँ जा रहा है ताबिश? आहिल आ जाओ, आओ गिंगिंग में चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? विनेसिया का प्लान बना है अचानक, ठीक है। ये बच्चों की है ड्रेसिंग, कम ऑन आओ अंदर, शाबाश। सीटें इनकी बेल्ट लगाओ सारी सीटों पे, दूसरी साइड से हो जाओ बेशक। चलो आहिल, शाबाश। अच्छा, ऊपर हम भूल गए थे चार्जर्स वगैरह, तो चार्जर्स वगैरह लेते हैं साथ में, बेबीज़ की चाची को लेते हैं, वो रेडी हो रही थी, तो अभी चलते हैं फिर नीचे। आशिफ और मैं बेबीज़ गाड़ी में वेट कर रहे हैं, नीचे बच्चे वेट कर रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे। ताबिश का मूड नहीं है वैसे, मेरा ताबिश को ना यहीं छोड़ने का प्लान था। नहीं नहीं, हम तीनों को साथ लेके जाएंगे। चले जी, अल्लाह का नाम लेके सफ़र को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, घर से निकलते साथ ही पजेरिया है, तो हम लोगों ने पानी नो लेनी है इधर से, फिर सफ़र को स्टार्ट करते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और वीनस पहुँचने तक और ज़्यादा भूख लग के ना, तो इस वजह से आसिफ और मैं खाने लगे हैं, बाकी उन्हें तो खा लिया था खाना। अच्छा, बेबी जो हैं वो यहाँ ग्लासेस लगा लगा के चेक कर रहे हैं। वाह, इधर देखो मेरी तरफ। साइम, आप ग्लासेस लगा के दिखाओ, आती है आपको लगानी? लगा के दिखाओ। आय सदके अल्लाह, अपनी शक्ल से बड़ी ग्लासेस लगा रहा, अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ट्रैवल जो है हमारा वो बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि बेबीज़ ने सफ़र करते हुए तो ज़्यादा तंग नहीं किया, क्योंकि बेबीज़ के सोने का टाइम था। ताबिश और आहिल जो हैं वो अपने टाइम के मुताबिक सो चुके हैं, और साइम को मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। साइम थोड़ा सा डर रहा था, ये वाला दिन इसका थोड़ा सा डरने का था, ना सीट में बैठ रहा था इसलिए मेरी गोद में चिपका हुआ है, जबकि अलाउ नहीं है यहाँ पर सीट में, बेबीज़ को रखते हैं ताकि वो अपनी सीट्स में ही सोएँ। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा चीखे मार रहा था और रो रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर अपनी गोद में रखा था, जब सो जाएगा फिर इसको सीट में लिटा देंगे। और सारे सफ़र में बेबीज़ जो हैं वो आराम से सोते हुए चिल करते हुए सोए हैं, बल्कि मैं भी सो गई थी, और जब मेरी आँख खुली और सामने वीनस था। सो सफ़र का इतना ज़्यादा मुझे कुछ आइडिया नहीं हुआ क्योंकि, और मैंने इतनी सफ़र की वीडियोज़ भी नहीं बनाई,
तो जब मेरी आँख खुली तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो नज़ारा मेरे सामने था, और वो है ये, और बाकी की जो पिछली वीडियोस हैं वो सारी तहरीम ने बनाई है, सो क्रेडिट गोज टू तहरीम, थैंक यू। अच्छा चलो अब हम आगे, अब हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग, आगे पार्किंग एरिया वहाँ पे पार्क करते हैं गाड़ी को और परकेजो में, उसके बाद में फिर चलते हैं अंदर। और मेरा तो फर्स्ट टाइम है, सो लेट्स सी क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं। और यहाँ उतरने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि हवा जो है वो बहुत तेज़ चल रही है, क्योंकि समुंदर वाली साइड है, तो उस वजह से ना बेबीज़ को हमने इनके फेल्पे पहना दिए हैं। उसके बाद में हम लोग जाएंगे लिफ्ट से, मे बी शायद नीचे जाना था या ऊपर जाना था, मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन बेबीज़ के लिए ये भी एक्सपीरियंस था। देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो अभी ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं और लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, और मैं भी देखने को के लिए, मैंने सुना हुआ है काफ़ी वीनस जो है वो सिटी जो है सारा पानी के अंदर है, और बोट में आपको लेके जाते हैं और वो सारा कुछ एक्सपीरियंस पर। अच्छा जी, सो हम पहुंच गए हैं वीनस, तो अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं बाहर के नज़ारे। मेरा फर्स्ट टाइम है और जो तहरीम है, हाँ पहले आ चुके हैं, तब बेबीज छोटे थे 4 मंथ्स के, तब हम लोग विद फैमिली ने चक्कर लगाया था। सो अभी मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मेरे साथ साथ आप लोगों का भी फर्स्ट टाइम है, तो आपको साथ साथ दिखाते हैं। सो हमारे साथ ताविश और बाकी इनके पापा और चाचू जो हैं वो आगे बाकी दोनों को लेके जा रहे हैं। सो चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ के लोग तो कंफ्यूज़ कर रहे हैं कि कई लोगों ने जैकेट पहनी हुई है और कई लोगों ने हाफ स्लीव पहनी हुई है, तो कोई समझ नहीं आ रही है क्योंकि दोनों मौसम चल रहे हैं। हम लकी थे कि आज का दिन हमने सेलेक्ट किया क्योंकि सनी डे भी था और हवा वगैरह भी चली थी, तो मज़े का दिन था बहुत। चल अभी हम जा रहे हैं समुंदर के पास ठंड है यहाँ, हमारी जुल्फें देखो कैसे लहरा रही हैं, सम हवा है काफ़ी यहाँ चल रही है। बस ये दुआ कर रहे हैं बेबी से कुछ ना हो, इन्हें ठंडा लगे हमारी क्या नहीं, बेबीज भी पैक है, बेबीज की मामा भी फुल पैक होके आई है, नीचे नीचे की शर्ट में इटालिया की पहन के आई हुई, सो ऑल सेट है। मैंने भी इसके नीचे काफ़ी मोटा एक चीज़ पहनी हुई है कि वैसे मोटी नहीं है, वैसे मोटी लग रही है, लग रही हूँ, इसको मोटी ना समझिएगा। अच्छा जी, तो पार्किंग करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ बोट वाली एरिया में, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स हैं, और हम लेंगे प्राइवेट बोट जो आपको जल्दी पहुँचा देती है तकरीबन 7 to 8 मिनट्स में, और बहुत फास्ट मतलब पहुँचाया उसने हमको, तो अभी हम बैठेंगे उसके अंदर। और बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स हैं जो कि आपको लेके जाती हैं, जो कि मतलब टाइमिंग उनकी डिफरेंट होती है, आते टाइम हम डिफरेंट बोट पर बैठे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अभी आसिफ जो है वो बोट जो है वो क्लियर कराए हैं, ये वाली हमारी प्राइवेट बोट है, अभी हम चलते हैं बोट में और जाके बैठते हैं और बेबीज़ का देखते हैं क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है बेबीज़ का भी, बेबीज़ की मामा का भी, सो चलते हैं साथ साथ आपको भी दिखाते हैं, लेट्स गो।
रश है आज काफी। वाओ जीशा, स्टॉल्स लगे हुए हैं देखिए ये काफी। अभी वन बाय वन हम आपको दिखाते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये जा मास्क मास्क डिफरेंट कलर्स में शेप में। अभी हम जा रहे हैं चैंत्रो में। अभी अभी हमें हमारे फैंस मिले फ्रॉम इंडिया मुंबई इंडिया तक हमारी वीडियोस देखते हैं और हमारे साथ पिक्चर और वीडियोस लेके गए हैं। बच्चे थोड़े टायर्ड हुए हैं ठीक है, तो असल में हवा बहुत तेज है, सर्दी है, हमें फील नहीं हो रही, बच्चों के लिए सर्दी है और मैं इसको श्योर होके कह रहा हूँ कि वापस जाके जरूर, अल्लाह ना करे बीमार जरूर हो जाए, ऐसे फील हो रहा है। ताबिश वैसे जिद्दी हो रहे हैं, ताबिश जिद्दी हो रहे हैं क्योंकि हम अभी शिप में बैठ के आए ना, तो इनको इनके लिए नया एक्सपीरियंस था, तो ये उसमें डर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट चला रहे थे, तो इस वजह से अभी दिखाती हूँ मैं आगे का व्यू। हर बंदा देख रहा है एवरीवन। सर्दी शुरू हो गई है, सीरियसली काफ़ी सर्दी है। अच्छा मैंने, मुझे ऐसे लगता था कि आज के दिन ना टूरिस्ट बहुत कम होंगे, लेकिन यहाँ तो लाइनें लगी पड़ी हैं भाई, लाइनें लगी पड़ी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन टूरिस्ट हो तो अच्छा लगता है काफ़ी जो है। नहीं वो तो वीनस ऑलवेज टूरिस्ट ही रहते हैं, लेकिन ये है कि आज मुझे लगा था कि थोड़े कम होंगे, रश बहुत ज्यादा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बच्चे चलते हो ठीक है, अदरवाइज बच्चे अगर बेबीज के तो मूड स्विंग्स, हां नहीं मूड स्विंग्स होते हैं बेबीज के, कभी रो रहे हैं कभी अभी आराम से बैठे हैं।
पे लाइव म्यूजिक भी चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे से। ये कपल डांस चल रहा है, इसको इग्नोर करें। ओके शाम शाम सी का टाइम हो रहा है और लाइट सा म्यूजिक। आगे पिजन्स हैं तो बेबीज को पिजन्स के पास लेके चलते हैं। Ahil, come here. बनी थी बचना है हसीनो रणबीर कपूर की, ये चेक करें, ये पुल था और इसके नीचे से ये ऐसे कश्तियां। ये है वो जगह, ओके। अभी हम आ गए गलियों में और यहाँ पे सारे ब्रांड के काफी ज्यादा चीजें हैं, लुई विटॉन, जिमी चू, सारी चीजें यहाँ पे है, प्राडा, फेंडी सारे। तो अभी हम देखते हैं आगे आगे, साथ साथ आप हमारे भी देखें, टूरिस्ट काफी ज्यादा आए हुए हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे वीनस में बहुत सारे लोग फ्लावर सेल कर रहे होते हैं, सो आसिफ ने मेरे लिए यहाँ से लिया फ्लावर और आई फील सो 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 ब्लेस्ड दैट आई हैव यू, सो थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। अच्छा, इसके बाद हमने फ्लावर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह बनाई, तस्वीरें वगैरह बना के उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अभी हम पीने लगे हैं कॉफ़ी। करीम खाएगी आइसक्रीम? नो, मैं भी आइसक्रीम नहीं, मैं कॉफ़ी पीऊँगी क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर सर्दी हो रही है, तो हम कॉफ़ी पियेंगे। चलो पियेंगी हॉट कैपेचिनो। अच्छा, यहाँ पे इटालियंस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बेबीज़ को देख के, और सब टूरिस्ट बार बार रुक के बेबीज़ को देख रहे थे, पूछ रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी गलियाँ हैं और हर गली में जो है ना वो बहुत सारी शॉप्स हैं, ड्रेसेस की होगी, शूज़ की होगी, और सब ब्रांड्स यहाँ पे हैं इन गलियों के अंदर, और विज़िट करने की हैं हर गली। हम लोगों ने हर जगह तो नहीं घूमा, लेकिन जहाँ जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ, ये चेक करें, और आगे आगे भी जो ब्रांड आएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। अच्छा, वीनस में सबसे ज़्यादा जो मुझे नज़र आए वो थे मास्क। बाहर सॉल्स में भी जहाँ पे लोग सेल कर रहे थे वो मास्क बहुत ज़्यादा थे, तो इनका एक फेस्टिवल होता है कार्निवाल, उसमें ये यूज़ करते हैं, दैट्स वाई ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ये वाले शूज़ हमने देखे, ये इतने ओवर साइज शूज़ थे, पता नहीं कौन पहनते होंगे, और ये भी ये वाले चेक करें, ये इतने डिफरेंट टाइप के बने हुए थे, और ये सारे ब्रांडेड शॉप्स हैं, तो लोग लेते हैं यहाँ से और पहनते हैं, जिनको शौक होता है ये आगे सारे ब्रांड्स ही ऐसे गैलरी बनी हुई हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे आई हुई थी एक ब्राइड भी, बहुत प्यारी सी, और यहाँ पे हो रहा है इनका शूट। अच्छा जी, अब टाइम हुआ जाता है काफ़ी, शाम से होना स्टार्ट होने लगी है, तो अब मेरे ख्याल से काफ़ी इंजॉय कर लिया हम। वो पानी वाली साइड भी होके आ गए हैं, सारी आगे से गैलरी वगैरह सारी घूम के आ गए हैं, और ये एक और पुल है, यहाँ से क्रॉस करके हमने जाना है आगे दूसरी साइड पे, जहाँ से हमें दूसरी बोट मिलेगी। अभी हम चाह रहे हैं कि हम प्राइवेट बोट में ना जाएँ, क्योंकि बेबीज़ वहाँ उस पर डर रहे थे, क्योंकि बहुत फास्ट चल रही थी वो, तो हम जो नॉर्मल वाली होती है बोट जिसमें ज़्यादा लोग जाते हैं, तो उसमें हम चाह रहे हैं कि जाएँ। बस उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, 15 मिनट्स लगेंगे। जिसमें हम प्राइवेट में आए थे उसमें हमें लगे थे 5 to 7 मिनट्स लगे थे। तो अभी हम जाएंगे दूसरी बोट में। हमारे साथ ये हुआ कि हमने जिसकी टिकट ली थी हम जाके बैठ गए, और वो गलत बोट में बैठ गए थे। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, इस पुल से ये वाला व्यू आपको नज़र आएगा, इस साइड से ये और दूसरी साइड से वो, और आसमान जो है देखे कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे रहा है, तो बहुत प्यारा व्यू भी आ रहा है वीडियो में। अच्छा, और यहाँ पे इटालियंस जो चाइनीज़ हैं और सारे लोग खड़े हो के बार बार कह रहे थे ये ट्रिपलेट्स हैं, ये हैं, वो हैं, सारे देख रहे थे और खुश हो रहे थे, क्योंकि इटालियंस के बेबीज़ बहुत कम होते, ये करते बहुत कम हैं, और अगर एक दो बेबी करते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा बेबी से मतलब प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। अच्छा जी, तो आसिफ यहाँ देख रहे थे मेरे लिए कैप, और बाद में हमने यहाँ से लिया ये स्टॉलर, क्यूट सा डबल साइडेड था ये, ग्रीन में और बेज कलर में, और साथ में ये नेकलेस था क्यूट सा, और जिस पे हार्ट बना हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें कितना क्यूट सा है। सो एक वीनस की याद जो है वो हम साथ लेके आए।
आजिए, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं बोट को भी चलने में, थोड़ा सा टाइम बाकी है, वेटिंग एरिया में है। और ये देखिए शाम का मंजर वीनस में कितना खूबसूरत है। लेकिन साइम ने बहुत रोना डाला हुआ था और बहुत डर रहा था वो बोट में आते टाइम भी और जाते टाइम भी। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो साइम को काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी कि उसको डिफरेंट वीडियोस दिखा के बेबीज़ को, और जो तहरीम है वो हमें कैप्चर कर रही थी। लेकिन मुझे सच्ची बताऊँ प्राइवेट बोट से ज़्यादा इसमें मज़ा आया, क्योंकि ये आराम आराम से व्यू दिखाती हुई हर जगह की जा रही थी। और हम 15 मिनट्स में तकरीबन जो है वो सैले समंदर पर पहुँचेंगे। और ये वाली भी एक बोट थी जिस पर लाइटिंग वगैरह हुई थी बहुत अच्छी। सो अभी 15 मिनट्स में हम पहुँच गए हैं ये अपनी मंजिल पर, और मैं बोल रही हूँ बाय बाय, क्योंकि अब हम जा रहे हैं पार्केजो की तरफ और वहाँ पे अपनी पार्किंग, अपनी गाड़ी शाड़ी देखते हैं और उसके बाद में चलते हैं घर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और बेबीज़ फुल थक चुके हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं चल चल के, क्योंकि सारा चलने का काम है। ओके जी, सो अपने ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे खत्म। होप्स हो गए आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बेबीज़ बहुत थक चुके हैं, रात काफ़ी हो चुकी है, 12 o'clock हो गया। तो ये देखें बेबीज काफी थके हैं कि सोने का टाइम है, अब चलते हैं घर। मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद बाय बाय।